दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिखित पेपर लीक मामले में प्रदेश व्यापी आह्वान के साथ ही युवा कांग्रेस सिरमौर ने बुधवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में युवा कांग्रेस सिरमौर के पद अधिकारी सीनियर कांग्रेस सदस्यों के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। युवा कांग्रेस सिरमौर के अध्यक्ष वीरेंद्र जालता ने बताया कि पुलिस पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार बड़े अधिकारियों पर जांच नहीं बिठा रही है, केवल जिन लोगों ने पेपर खरीदा है उन पर ही कार्रवाई कर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने इस मामले में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर DIG को भी पद से हटाने व कार्रवाई की मांग की है। जी, पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाले में क्रमिक अनशन शुरू हुआ है आज आपका। जी, हम पिछले कल पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनुसार जिला सिरमौर युवा कांग्रेस में पिछले कल अपना मेमोरेंडम डी साहब और SP कार्यालय में मिले और परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने हमें कहा था कि आप कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्रमिक भूख हड़ताल होगी। और हमारी मांगे थी हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की, जिस तरह से पेपर भर्ती मामला, पुलिस भर्ती मामला जो लीक हुआ है, इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं उन अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए। आज जब ये कार्रवाई उन बच्चों पे की जा रही है, अभ्यर्थियों पे की जा रही है जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मेन जो इसकी जड़ है, प्रदेश युवा कांग्रेस और जिला सिरमौर युवा कांग्रेस यही मांग करता है कि जो जिन पुलिस अधिकारियों की निगरानी में पेपर हुआ है और पेपर कहाँ से लीक हुआ है उन लोगों को पकड़ा जाए, ना कि अभ्यर्थियों को। और आज शायद पिछले कल सरकार ने CBI जांच के लिए कह दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं और हमारा क्रमिक भूख हड़ताल है तब तक जारी रहेगी जब तक जो हमारे DIG है उनको हटाया ना जाए और जो संलिप्त अधिकारी है उच्च स्तर पे जो सरकार की नाक के नीचे काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको ना पकड़ा जाए तब तक युवा कांग्रेस क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखेगा। पक्ष देखते हैं, देखिए सरकार अभी भी जो मेन जो आरोपी है उन तक नहीं पहुंचे, जो बड़े अधिकारी है, जो बड़े अफसर है, देखो पुलिस का पेपर है, पुलिस की ही निगरानी में पेपर होता है, पुलिस की ही निगरानी में पेपर लीक होता है, पुलिस ही उसको करवाती है। तो कहीं ना युवा कांग्रेस को कि इसमें आप मेन जो मुख्य आरोपी है उनको नहीं पकड़ रहे, बड़े अधिकारी है उनको नहीं पकड़ रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जिन्होंने पैसे दिए हैं, पेपर लिया है, देने वाला कौन है, पेपर को देने वाला कौन है। सरकार से हमारी यही मांगी कि केवल उन अधिकारियों को पकड़ा जाए बड़े स्तर पे जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर लीक किया है और जहाँ से ये पेपर निकला है, जिन्होंने पेपर सेट किया था, उन लोगों को पकड़ा जाए और उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं पूरे जिला स्तर पे 12 जिला मुख्यालय पे प्रदेश युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन शुरू है, तो ये तब तक चलेगा और साथ में हस्ताक्षर अभियान भी, जो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला है, साथ में युवा कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है, क्रमिक भूख हड़ताल के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है, तब तक चला रहेगा जब तक DG को ना हटाया जाए और SIT को फ्री हैंड ना दिया जाए और मेन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, बड़े अधिकारी है, उनको ना पकड़ा जाए तब तक हमारा क्रमिक हड़ताल जारी रहेगा। दिव्य हिमाचल TV के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक, जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक ID anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 7650894955 पर संपर्क करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।